इधर वहां तक हटाएगा पूरा कब्रस्तान वहां तक कहाँ हुई जमीन पूरी वो हिंदुओं को अलाट करा परसों आधा कब्रस्तान वो हिंदु पहले नहीं थे वहां नहीं थे हमेशा क्या हमारे से बात करते फिर अनंत रेड्डी से हम एक बात करते क्या कर रहे हो मालूम हुआ था फोन करा दिन भाई मैं आपको परसों मुझे फोन करा मैंने मालूम हुआ कि आपको फोन करा हेलो फोन करा तो आप क्या बोले ऐसे कैसे है मैंने फोन पर से बात करा मैंने फोन पर से मैं बात नहीं नगर असेंबली दल से के शमशाबाद मंडल के चिन्ना गोलकोंडा के कब्रिस्तान में जो के मुखामी सरपंच की तरफ से नाजायज कब्रिस्तान में हरिथारम का प्रोग्राम लगाया गया। इसकी इतला मिलते ही सदर मोहतरम नकीबे मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत के ऊपर मैं शमशाबाद मंडल के सदर जनाब शुक्र साहब फसी भाई साहब और यहाँ के मुकामी लोग मिलकर यहाँ पर आए। हम एक चीज़ यहाँ पर बोलना वाज़े है कि वक्फ बोर्ड के लोग कब्रिस्तान की ज़मीन और यह सर्वे नंबर 122 आता है शमशाबाद मंडल में वो लोग यहाँ पर कोई किस्म का यहाँ पर कब्ज़ा हो रहा तो वक्फ बोर्ड वाले आकर कोई यहाँ सर्वे नहीं करे ना कोई आके यहाँ पर ये लोग के ख़िलाफ़ रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हो या पुलिस डिपार्टमेंट से हो कोई कंप्लेंट नहीं करे। और मुझे अफसोस भी होता है कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब बड़े बड़े बातें करते हैं मैं वहाँ पर केस बुक करा दूँगा यहाँ पर केस बुक करा दूँगा तो यहाँ पर क्यों नहीं कराते आप यहाँ पे कौन रोक रहे हैं आपको हैं। गैर ज़रूरी के कुछ फिरखा परस्त लोग वक्फ बोर्ड के ज़मीनों को और कब्रिस्तानों को निशाना बनाते जा रहे हैं। मैं खुद राजेंद्रनगर असेंबली में फिर के देख रहा हूँ आज से एक महीना पहले चिन्ना गोलकोंडे में चिराग अली शाह साहब की दरगाह है दरगाह की ज़मीन में भी ऐसी कब्ज़ा करे और अफसोस भी होता है इतना एहतजाज करे बाद इतना नुमाइंदगी करे बाद भी वक्फ बोर्ड और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब के कान में जून तक नहीं दौड़ रही खाली बड़े बड़े बातें कर रहे हैं और प्रैक्टिकल में कोई काम नहीं हो रहा है। और इसकी इतला पूरी मैं सदर मोहतरम नकीब-ए-मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को दूँगा उसके बाद